सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यासिका कुकिंग सुकिंग में। और आज मैं आपके साथ काजू पारे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा ले ली है, जिसको मैंने पहले से ही छान लिया है। अब हम यहाँ पर एक चम्मच घी डालेंगे। घी को हम पिघला के नहीं डालेंगे, एक चम्मच खसखस के दाने डालेंगे, एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली है, जिसको हम अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच के जितना धनिया पाउडर। हल्का सा अच्छा कलर लाने के लिए एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को भी हम अच्छे से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का फ्लेवर इन काजू पारों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नॉर्मल पानी लेंगे और इसका बढ़िया सा आटा लगा के तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को गूंथना शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक हमें आटे को गूंथना है कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। और इसको कवर करके लगभग हम 15 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे, ताकि आटा हमारा बढ़िया से तैयार हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर 15 मिनट हो चुकी है। आटा देख लेते हैं, तो आटा हमारा बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट तैयार हो चुका है काजू पारे बनाने के लिए। एक बार फिर से उठाएंगे आटे को। और अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चकले के ऊपर रखेंगे और हल्का सा ही गूँथ लेंगे। इस तरीके से हम इसको राउंड राउंड घुमा लेना है। और अब इसके हम दो टुकड़े कर लेते हैं। तो इसकी हमें एक मोटी सी, जैसे हम रोटी बनाते हैं इतनी मोटी रोटी बना के तैयार कर लेनी है। तो थिकनेस आपको इसकी थोड़ी सी मोटी ही रखनी है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल लेंगे, या फिर रिफाइंड ऑयल लेंगे, या फिर हम घी लेंगे। इसको ऊपर से इस तरह से हल्का सा डस्ट कर देंगे और इसको पलट देंगे चकले के ऊपर ही। इधर भी हल्का हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे, अच्छे से रफ करेंगे और हल्का सा इसको एक बार फिर से हम बेल लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर ये कुकीज़ कटर आता है वो ले लिया है। आप चाहे तो किसी बोतल का ढक्कन वगैरह भी ले सकते हैं, छोटी कोई गिलास ही हो आप वो भी ले सकते हैं। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे काजू पारे बनाना। तो स्टार्टिंग का जो ये काजू पारा है, इसको साइड में रख लेंगे और इस तरीके से इक्वल सी शेप देते हुए इसके काजू पारे निकालेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। तो आप इन्हें किस भी तरह प्लेट में निकाल के रख सकते हो, ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, क्योंकि हमने दोनों तरफ इसके ऊपर तेल से कोटिंग कर दी है। तो बड़ी आसानी से ये काजू पारे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैच तैयार कर लिया है और उधर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई पे, सॉरी गैस पे कढ़ाई, तो उसमें मैंने तेल डाल दिया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें तेल को अच्छा गर्म रखना है और ये काजू पारे थोड़ा सा सेफ्टी से इसमें डाल देना है। तो हमें स्टार्टिंग में तेल गर्म इसलिए रखना है क्योंकि हमने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में काजू पारे डाले हैं, और ये सिक्के हल्के से एकदम ऊपर आ जाएंगे जब यहाँ पे तेल गर्म होगा। और जब आपको ऐसे लगे कि हल्का सा इनमें कलर आ गया है और जो काजू पारे हैं हमारे आपस में जो चिपके हुए थे ये अलग अलग हो गए हैं और तैर के ऊपर भी आने लगे हैं, तब आपको गैस का फ्लेम लो कर देना है और इनको 8 से 10 मिनट के लिए सेकना है। अगर आपको बिल्कुल खस्ता बनाने हैं तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और इनको सेकना शुरू कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है इनका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, लाइट ब्राउन हो रहा है। इस टाइम हम इनको निकाल लेंगे। काजू पारे सिक्के बिल्कुल तैयार हैं। तो ये देखिए,
इन काजू पारों को आप एक बार बनाकर महीनों के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो, कोई गेस्ट आए उनको भी सर्व कर सकते हो। आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।